प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के महारजा स्थित ठाकुर शिव प्रसाद सिंह स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज में 1 मार्च 2023 को हाईस्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा चल रही थी। उप जिलाधिकारी हटिया सार्थक अग्रवाल को सूचना मिली कि विद्यालय की कॉपियां दूसरे स्कूल में लिखी जा रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी हंडिया व सराय ममरेज पुलिस के द्वारा आरडीएम पब्लिक स्कूल जंघई में छापा मारा गया, तो छापेमारी के दौरान 2 कॉपियां लिखी हुई और 5 सादी कॉपियां बरामद की गई। वहीं कॉपी लिख रहे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उप जिलाधिकारी हंडिया ने बताया कि विद्यालय में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। विद्यालय की कॉपियां किस तरीके से बाहर गईं, वहीं परीक्षा व्यवस्थापक को कार्यमुक्त कर पुलिस थाने पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। खबर आई थी हमें कि शिव प्रताप इंटर कॉलेज जहां पर हम अभी हैं, वहां के कुछ आंसर कॉपीज हैं जो आरडी मेमोरियल इंटर कॉलेज में लिखी जा रही हैं। ये सूचना पुलिस को दी गई, उसके बाद पुलिस ने वहाँ मौके पर रेड करी और 2 व्यक्ति को पकड़ा। सात आंसर कॉपी जो हैं वो बरामद हुई वहाँ से। 2 में आंसर लिखे जा रहे थे और 5 खाली थीं। उसके बाद यहाँ पर हमने आकर इंस्पेक्शन किया। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो यहाँ के हेड थे, उनको हटा दिया गया है, उनको रिप्लेस कर दिया गया है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत होगा। सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं उनके खिलाफ़ भी, जिन्होंने पेपर ट्रांसफ़र करा है, जिन्होंने पेपर लीक करा है, और जो भी अध्यापक या और जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार ज़रूर करेगी। सर, सेंटर खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, यहाँ पर हमने जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको बदल दिया है। यहाँ पर उनको थाने में भी बुलाया जाएगा, उनकी पूछताछ भी करी जाएगी। जो भी यहाँ पर सेंटर इंचार्ज थे, जो भी अदर ऑफिशियल्स थे, जो भी टीचर्स थे, जहाँ जहाँ हम उनको भी लोकेट कर रहे हैं, जो बच्चे इन्वॉल्व थे उसमें, कुछ यहाँ पर काफ़ी अनियमितता पाई गई है रजिस्टर्स के मेंटेनेंस में, अटेंडेंस रजिस्टर में और भी रजिस्टर्स में, उससे पता हम लगा रहे हैं कि कौन कौन बच्चे इसमें शायद इन्वॉल्व होंगे। सर, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो रहा है, फिर लापरवाही कहाँ से होगी? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पूरी स्कैन हो रही है। जो भी हमें एक्शन लेना है, जो भी इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व थे सीसीटीवी फुटेज मॉनिटरिंग करने में और इंश्योर कराने में कि एग्जामिनेशन जो हैं एकदम सही ढंग से हो, उसमें उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीसीटीवी अभी जो दूसरा परीक्षा है वो एकदम स्मूथ रूप से चल रही है, उसका निरीक्षण कर लिया गया है। बाकी स्कूल में भी परीक्षा स्मूथ तरह से चल रही है। ये एक जो आइसोलेटेड इंसिडेंट आया है, इसके खिलाफ इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी कि बाकी सभी ये जो सॉल्वर गैंग हैं और भी लोग हैं, इनके पास एक स्ट्रिक्ट मैसेज जाए कि ऐसा ये नहीं कर सकते। सर, समय से पहले कॉपी वहाँ पकड़ी गई, इसका मतलब पेपर लीक हो गया? नहीं नहीं, ऐसा पेपर लीक होने का कोई खबर नहीं है। पेपर शुरू होने के बाद कॉपी और आंसर कॉपी जो है वो वहाँ पर बरामद हुई है। नहीं, यहाँ परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल की पाली में कुछ गड़बड़ी हुई है, केंद्र व्यवस्थापक को हटा दिया गया है। शेष जांच टीम अपना जांच करके क्लियर करेगी कि क्या स्थिति। अगर सर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में परीक्षा हो रहा है तो कॉपियां बाहर कैसे निकली? नहीं, कुछ गड़बड़ी हुई, वही सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है कि क्या गड़बड़ी हुई है, कैसी गड़बड़ी है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं।